देश के किसान खुशहाल हों और उनकी आय बढ़े, ये हर किसी की चाहत और सोच है। और शायद यही वजह है कि सरकार से लेकर देश के आम नागरिक की भी बात करें तो वो अपने अन्नदाता की उन्नति चाहता है। एक तरफ सरकारें जहां किसानों की खेती और उनकी आय को बढ़ाने के लिए नई योजनाएं ला रही हैं, वहीं तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल ने किसानों के लिए खेती को और आसान बना दिया है। तकनीक के इस्तेमाल से किसानों की आय जरूर बहुत बढ़ी है और भी इसमें बढ़ने की गुंजाइश है। तकनीक का किसान भाई जितने इस्तेमाल करेंगे उतना उनका लाभ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। किसान खेती के अलावा और क्या करें जिससे उनकी आय बढ़े, इसको लेकर सरकार ने जहां एक तरफ कई तरह की योजनाओं की शुरुआत की, वहां कई ऐसे लोग सामने आए जिन्होंने तकनीक के जरिए किसानों की आय को बढ़ाने का बीड़ा उठाया। ऐसी योजनाओं से न सिर्फ किसान तकनीक का इस्तेमाल करने लगे हैं, बल्कि कम मेहनत में उनकी आय में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। किसानों को तकनीक के बारे में जानकारी देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई है, बहुत सारी संस्थाएं भी बनाई है जो तकनीक को किसानों तक पहुंचा सके, पर अभी भी आखिरी इस्तेमाल तक ये तकनीक नहीं पहुंची है। इसलिए ज़रूरत है कि वॉलंटियर आगे आएं, बहुत से स्वयंसेवी आगे आएं जो पढ़े लिखे हों, टेक्नोलॉजी को जानते हों, वो आके किसानों को इसके यूज और इसके फ़ायदे के बारे में बताएं। तो सरकारी संस्थाओं के साथ साथ आम लोगों का भी ये दायित्व है जो जानकार हैं, किसानों तक तकनीक को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं। किसानों के लिए मत्स्य पालन भी आय का एक नया स्रोत बनकर उभर रहा है। मछली पालन में किसान बेहद रुचि दिखा रहे हैं, लेकिन उनके साथ सबसे बड़ी समस्या थी इसकी लागत को लेकर। हालांकि सरकार इसको प्रोत्साहन देने के लिए उन्हें सब्सिडी भी मुहैया करा रही है, इसके बावजूद ये समस्या बरकरार थी। लेकिन जब से नई नई तकनीक आई है, इस समस्या का समाधान भी मिलने लगा है। पहले किसान पारंपरिक मछली पालन ही कर रहे थे। मछली पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो विश्व लेवल पे बहुत ज़्यादा लाभकारी हैं। और जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ कि हम करीब 6 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करते हैं, जबकि चाइना 60 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है। तो बहुत ज़्यादा इसमें पोटेंशियल है, जबकि हम इसको तकनीकी तौर पे किसानों को सिखाएं और आगे बढ़ाएं। हरियाणा के रेवाड़ी में बेरियावास गांव में ओमपाल सिंह ने मत्स्य पालन का नया तरीका इजाद किया है। कम लागत में ज्यादा मुनाफा, इस ध्येय के साथ ओमपाल सिंह ने मछली पालन की शुरुआत करीब 1.5 साल पहले की। मछली पालन के बारे में शुरुआत तौर पे तो मैं भारतीय नौसेना से बिलोंग करता हूँ। समुद्र के किनारे रहते हुए मछुआरों मछली पालकों से काफ़ी कुछ हमारे कांटेक्ट हुए, पर मैं देखता था कि सभी जगह पारंपरिक मछली पालन ही है। तो थोड़ा इंटरेस्ट आया और हमने क्या तकनीक का इस्तेमाल हो सकता है, क्या विश्व लेवल पे कोई ऐसी तकनीक अवेलेबल है जिसको हम यहाँ लाके किसानों को बताएं और करें। इसी बीच एक किसान से मेरी मुलाकात हुई जो विदेश घूम के आया था, और उसने बताया कि भाई ये तकनीक मैंने देखी है, क्या आप इसको यहाँ अपने भारत में बना सकते हैं। मैंने वो चैलेंज स्वीकार किया और उस तकनीक के हिसाब से मैंने काम शुरू किया। मेन समस्या जो सामने थी कि विदेशी कंपनियां इस तकनीक के प्रोजेक्ट लगाती थी जिनकी कीमत 4 से 5 करोड़ या इससे ज़्यादा होती थी, इसलिए भारतीय किसान इसको अफोर्ड नहीं कर पाता था। हमने इस पे काम किया, डिजाइन डेवलपमेंट मटेरियल सब पे स्टडी किया, और एक इंजीनियर होने के नाते मैंने वो सारे पॉइंट निकाले जिनसे हम इसकी कीमत कम कर सकें, और फाइनली हम इसको 1 करोड़ से नीचे की लागत पे ले आए हैं। तो अब काफ़ी किसान हैं जिनकी पहुंच में ये सिस्टम हो गया है। धीरे धीरे हम आगे भी काम कर रहे हैं कि इसी लागत को और कैसे कम किया जाए और किसानों तक पहुंचाया जाए।
ओमपाल सिंह ने सेना में नौकरी की और फिर वहां से सेवानिवृत्त होने के बाद कई दूसरी जगहों पर काम भी किया। इसके बाद इन्होंने अपने गांव आकर किसानों को मछली पालन के लिए बढ़ावा देने के लिए सोचा और तकनीक का इस्तेमाल कर इन्होंने मछली पालन का ये प्लांट लगाया है। मैं एक किसान परिवार में जन्मा हूँ, मेरा रहना सहना गांव में हुआ और बाद में मेरे माता पिता गांव में ही रह रहे थे जो कि अकेले पड़ गए थे। तो गांव आने का फैसला तो मैंने माता पिता के साथ रहने के लिए किया था, पर यहाँ आने के बाद मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि मैं जैसे किसान परिवार से बाहर जाके आगे बढ़ पाया, किसानों को उन्हीं के काम में खेतीबाड़ी में या दूसरे मछली पालन या और किसी में मदद करके उनको इस लायक बनाए कि नौकरी की जरूरत ही ना रहे। और मछली पालन के एक प्रोजेक्ट पे मैं पहले से एक किसान मित्र के साथ तैयारी कर रहा था, काम शुरू कर दिया था, तो ये मुझे सबसे अच्छा तरीका लगा कि इसमें कम समय में ज्यादा आय का स्रोत बन सकता है। हालांकि इस काम की शुरुआत में उन्हें कई तरह की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। चुनौतियों की फेहरिस्त इतनी लंबी थी कि उन्होंने एक बार तो अपने फैसले को लेकर थोड़ी मायूसी भी हुई, लेकिन मन के किसी कोने में उन्हें किसानों की मदद और मछली पालन को बढ़ावा देने के विचार हिलोरे मार रहे थे। लिहाजा उन्होंने चुनौतियों का सामना करते हुए अपने इस काम को आगे बढ़ाने की शुरुआत जारी रखी। चैलेंज बहुत थे। सबसे पहले चैलेंज था कि तकनीक की नॉलेज किसानों तक पहुंचाना, जो अभी भी मेरे लिए चैलेंज है। जितनी भी संस्थाएं काम कर रही हैं न्यू तकनीक के हिसाब से मछली पालन के बारे में पूरी जानकारियां अभी तक किसानों तक नहीं पहुंच पाई है। तो मैंने ये एक प्रोजेक्ट अपने इस तरीके से तैयार किया है कि यहाँ किसानों को मछलियों के बारे में जानकारी, तकनीक के बारे में जानकारी, मछलियों को होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में जानकारी एक ही छत के नीचे दी जा सके। और ये काम मेरा लगभग पूरा हो गया है। अब इसमें हम किसानों को बुलाना शुरू कर रहे हैं जिससे तकनीक को समझ सके और इस तरह के प्रोजेक्ट लगाने की हिम्मत दिखा सके। मछली पालन के प्रोजेक्ट की शुरुआत कैसे हुई और यहाँ तक आने के लिए किन किन रास्तों से गुजरना पड़ा, ये खुद ओमपाल सिंह जी बता रहे हैं। किसान को इस तरह के प्रोजेक्ट लगाने के लिए सबसे पहले तो जिला मत्स्य अधिकारी के पास एप्लीकेशन लगाना जरूरी है, क्योंकि उसके अप्रूवल के बिना जो सरकारी सहायता मिलती है वो नहीं मिल पाएगी। कई बार ऐसा होता है किसान अपने लेवल पे फंड मैनेज कर लेता है और प्रोजेक्ट भी लगा लेता है, पर बाद में सरकारी योजनाओं का जो लाभ उसको मिलना चाहिए वो अटक जाता है। तो मैं किसानों को राय देता हूं कि पहले वो अपनी एप्लीकेशन अप्रूव करा ले जिला मत्स्य अधिकारी से और उसके बाद इसमें काम शुरू करे। हम खुद भी पूरा प्रोजेक्ट लगा के देते हैं और किसान भाई अगर चाहे कि मैं कंस्ट्रक्शन वर्क और दूसरे काम जो खुद कर सकता है कर लूंगा, तो बाकी जो सिस्टम की सहायता है, सिस्टम के डिजाइन है, उस पर हम उनकी मदद जरूर करते हैं। पेश है किसानों के लिए दुनिया का पहला तरल नैनो यूरिया इफको नैनो यूरिया। अब खेती की लागत कम, आधा लीटर बोतल में एक बोरी यूरिया का दम इफको नैनो यूरिया। इफको नैनो यूरिया। किसान चाहे तो बड़ी आसानी से और कम लागत में मछली पालन कर अपनी आय को बढ़ा सकता है। इसमें इस्तेमाल होने वाली तकनीक से लेकर मटेरियल की सारी जानकारी किसानों को आसानी से मिल सकती है। पहली रिक्वायरमेंट तो कम से कम एक एकड़ जमीन हो, उसके बाद किसान के पास कितना फंड है उसके हिसाब से वो अपना सेट तैयार करे। कम से कम 8 टैंक लग सके, ये आप सामने देख रहे हैं, ये 10 टैंक ऑलरेडी लगे हुए हैं। सेट बहुत ज्यादा हाई कॉस्टिंग की जरूरत नहीं होती। मछलियों का जो तापमान की रिक्वायरमेंट है वो 20 डिग्री से 27 डिग्री 28 डिग्री तक सबसे अच्छी ग्रोथ करती है। इस तकनीक में हम तापमान को कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि ये ठंडी हवाओं से रोक दिया गया है सेट के भीतर करके।
इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि हम जमीन बचाते हैं कि बहुत कम एरिया में बहुत ज्यादा मछलियां पैदा करते हैं। ये टैंक जो आप देख रहे हैं ये मैंने पॉलीप्रोपिलीन मटेरियल से बनाए हैं, जिसकी वजह से इन टैंकों के बनाने की कीमत काफी कम आई है। सारा का सारा सिस्टम ऐसा लगाया जो खारे पानी या मीठे पानी में कभी खराब नहीं होगा। इसका सिस्टम ये है कि टैंक के बीचों बीच आप देख रहे हैं एक पाइप जो दिख रहा है, पाइप नहीं एक फिल्टर होता है, इसमें से मछलियां बाहर नहीं जा सकती, सिर्फ गंदगी बाहर जाती है जो पानी में मछलियां छोड़ती हैं। ये चैम्बर आप देखिए, इसमें यहाँ दिखाई दे रहा है, इसमें से ये पानी हमारे बाहर इस शेड के बाहर में पानी का ट्रीटमेंट प्लांट लगाया हुआ है जहाँ पानी वापस प्योरीफाई होके टैंकों में आता है। इसमें हमने वो भी डिजाइन किया है कि मछली के जब छोटा बच्चा डालते हैं तो वो ज्यादा पानी की हाइट बर्दाश्त नहीं करता, तो कम लेवल भी इसमें मेंटेन कर सकते हैं। ये आप देखिए बीच में हमने एक सिस्टम लगाया है वाटर लेवल कंट्रोल के लिए। अगर छोटा बच्चा है, जीरो साइज का सीड हमने डाला है, तो ये वाल हम खोल देंगे तो टैंक में सिर्फ 3 फुट पानी रहता है, जिसमें छोटा जो बच्चा होता है मछली का वो बड़े आराम से स्टेबल रहता है, ग्रो करने लगता है। यहाँ से इन टैंकों के अंदर मछलियों के लिए ऑक्सीजन का भी प्रबंध किया गया है। ये पाइप आप जो देख रहे हैं लगे हुए, इनसे इस पानी में एरिएशन होता है, ऑक्सीजन का लेवल हमें मेंटेन करना होता है। अगर ऑक्सीजन ज्यादा रहेगी तो मछली की ग्रोथ अच्छी रहेगी, उसकी प्रोटीन वैल्यू भी अच्छी रहेगी। तो ये सारा सिस्टम, सभी टैंक ड्रेन से कनेक्टेड हैं और वो पूरा का पूरा पानी हमारे फिल्टर स्टेशन में जाता है, बाहर पानी यहाँ पे आता है इस टैंक में। आप देख रहे हैं इसमें ये बायोमीडिया डाला हुआ है टैंक में, इसमें एक बैक्टीरिया हम कल्चर करते हैं जो अमोनिया और जो टॉक्सिक गैस जनरेट होती है फिश वेस्ट से या फूड वेस्ट से, उसको ट्रीट करके टॉक्सिक गैस फ्री ये बैक्टीरिया बना देता है। इस बायोमीडिया में बैक्टीरिया की कॉलोनी होती है जिससे कि वो ग्रो करता रहे। ये हमारा यूवी फिल्टर है बीच में, जो भी बैक्टीरिया पानी के साथ आगे आ रहा है यूवी रेज से वो बैक्टीरिया एलिमिनेट हो जाता है। ये एयर ब्लोअर है, इसमें हमने 2 लगाए हुए हैं, एक रेगुलर यूज और एक एमरजेंसी यूज। हमारे यहाँ ग्रिड में पावर फेलियर बहुत होते हैं, स्पेशली किसानों के लिए, तो हमने स्टैंड बाई अपना जनरेटर सेट भी लगाया हुआ है, इन केस पावर फेलियर है तो हम जनरेटर सेट से अपनी मछलियों को बचा सकें। मछली पालन और खेती किसानी से जुड़े स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कृषि विश्वविद्यालय भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने ऐसे लोग जो तकनीक के जरिए स्टार्टअप की शुरुआत करना चाह रहे हैं उन्हें हर तरह की सुविधा मुहैया कराई है। विश्वविद्यालय मानता है कि सुविधाओं की वजह से लोग खेती किसानी से जुड़े स्टार्टअप को शुरू करने में दिलचस्पी और अपना रुझान दिखा रहे हैं। इस देश में जो भी नागरिक है, खास तौर से जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हमारा युवक है, बेरोजगार नव युवती है, किसान है, या उस परिप्रेक्ष्य में रहने वाला कोई भी व्यक्ति है, उसके पास कुछ ना कुछ नवाचार की बात उसके दिमाग में चलती रहती है और वो कुछ करना भी चाहता है। तो ऐसी परिस्थिति में उसके मन में जो आया है, जो भी आइडिया आया है, विचार आया है, नवाचार आया है, उसको हम एक स्टार्टअप के माध्यम से यदि व्यवसाय के रूप में परिवर्तित करेंगे तो निश्चित रूप से उसके आइडिया को बल मिलेगा और उस दिशा में बढ़ते हुए वो स्वयं का रोजगार कमाते हुए दूसरों को रोजगार देने में भी सक्षम रहेगा। इसीलिए स्टार्टअप्स की महत्वता है और चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के द्वारा इसी को ध्यान में रखते हुए एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की गई है, जो कि नाबार्ड और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना भारतवर्ष की योजना है, उसके तहत इसकी स्थापना की गई है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने अपने कैंपस में इंक्यूबेशन सेंटर तैयार किया है। विश्वविद्यालय में मौजूद तकनीक का इस्तेमाल स्टार्टअप शुरू करने वाले कर सकते हैं। साथ ही साथ यहां कार्यरत एक्सपर्ट की टीम इन्हें हर जानकारी मुहैया कराती है। अब तक करीब 70 से ज्यादा स्टार्टअप शुरू करने वालों ने इस सुविधा का लाभ उठाया है। स्टार्टअप शुरू करने वालों को 2 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है।
साथ ही उन्हें 10,000 रुपए भी दिए जाते हैं। जो हमारे यहाँ पे वो नए विचार के साथ आता है, उसके स्टार्टअप को व्यवसाय के रूप में बदलने के लिए फिर हम उसको प्रशिक्षण भी देते हैं, उसको हम आर्थिक मदद के लिए बैंक से जोड़ते हैं, ताकि वो अपने उत्पाद को एक व्यवसाय के रूप में दे। और अभी तक हमारे यहाँ पे लगभग 88 यानी कि 88 स्टार्टअप्स जो हैं वो आ चुके हैं, जिन्होंने यहाँ से प्रशिक्षण पाया है और अपना व्यवसाय शुरू कर दिया है। और यदि मैं डेटा की बात करूं तो इन स्टार्टअप्स को 5,18,00,000 रुपए की सहायता एबिक के माध्यम से दी गई है। और यदि इनके टर्नओवर की बात करूं, 80 स्टार्टअप्स के द्वारा ये कार्य शुरू किया गया है और उनका सालाना टर्नओवर 30 करोड़ रुपए के आसपास है, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस वर्ष हमारे इस केंद्र में 500 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो अपने स्टार्टअप को यहां से तकनीकी, व्यवसायिक और आर्थिक मदद के लिए उन्होंने आवेदन किया है। इसको हम इस एबिक के माध्यम से प्रदान करते हैं। बहुत आसान है, 1 एकड़ के लिए 1 बोतल, तो 1 बोतल नैनो यूरिया को 2 बार में प्रति छिड़काव 125 लीटर पानी में घोलकर फ्लैट फैन या कट नोजल द्वारा स्प्रेयर की सहायता से फसल की बुआई के 25-30 दिन पर एवं दूसरा छिड़काव फसल में फूल आने के 1 सप्ताह पहले पत्तों के ऊपर छिड़कना होगा। हरियाणा के रेवाड़ी स्थित बेरियावास गांव में नई तकनीक के जरिए मछली पालन की शुरुआत कर ओमपाल सिंह यादव ने किसानों को एक नई राह दिखाई है। ओमपाल सिंह के साथ शिवकुमार शर्मा, जो सेना के रिटायर अधिकारी हैं, उन्होंने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई। दोनों की दोस्ती सेना में काम करने के दौरान हुई और अब ये दोस्ती यहाँ रेवाड़ी में इस मछली पालन में भी दिख रही है। पेशे से दोनों इंजीनियर रह चुके हैं, लिहाजा इन लोगों ने जब मछली पालन की शुरुआत करने की सोची तो सबसे पहले इनके दिमाग में था कैसे आसान से आसान तकनीक का डिजाइन करें, ताकि वो एक तरफ जहां किफायती भी हो तो वहीं दूसरी तरफ उसका इस्तेमाल भी आसान हो। मैं भारतीय नौसेना से रिटायर्ड हूँ। 1995 में मैंने नेवी छोड़ी, उसके बाद में शिपिंग कंपनी में जॉब किया और 2018 में वहाँ से भी रिटायर हो गया। और उसके बाद में मेरे मित्र हैं ओमपाल जी, उनका भी मेरी तरह ही कुछ नया करने का इरादा रहता है हमेशा। और हम दोनों ने आपस में डिसाइड किया कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जो कि किसी ने नहीं किया है। और ये सोच के हमने सोचा कि हमारा जो भी आउटकम होगा वो गरीब से गरीब आदमी तक पहुंचना चाहिए, और यही एक रीजन था जिसकी वजह से हमने सोचा कि फिश फार्मिंग की ओर सोचा जाए। मेरे जो मित्र हैं ओमपाल जी ही, वो मैकेनिकल इंजीनियर हैं और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इन दो चीज़ों के मेल से हम आपस में डिस्कस करके कि अगर ऐसा करेंगे तो इसका रिजल्ट ये हो सकता है, और हिट एंड ट्रायल करके हम इस नतीजे पर पहुंचे कि कम से कम खर्च करके एंड द बेस्ट आउटपुट हाउ वी कैन टेक। मछली पालन का काम शुरू करना दोनों के लिए आसान नहीं था, कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उम्र के इस पड़ाव में ये सोच कैसे आई और कैसे इसको ये आगे बढ़ा रहे हैं, आप खुद ही सुनिए। मैं पूरी जिंदगी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहा, जहां पर की पॉल्यूशन आज की डेट में एक सबसे बड़ा हमारे लिए खतरा है। एक तो जब ये गांव में आके ये बिजनेस करने का दिमाग में आया तो सबसे पहले तो ये है कि आई कीप माई गुड हेल्थ, और दूसरा ये है कि रही बात चुनौतियों की, तो फौज में सबसे पहली चीज यही सिखाई जाती है कि डर नाम की चीज नहीं होनी चाहिए तुम्हारे मन में कोई भी, देयर इज नो फेलियर। मछली पालन के इस व्यवसाय में ओमपाल सिंह और शिव कुमार शर्मा का
पूरा परिवार लगा हुआ है। इनके परिवार का कहना है कि वो किसानों और इस व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए कुछ नया करना चाहते हैं। हमारे जो ट्रेडिशनल फिश फार्मिंग थे, जो तालाब थे, उसमें मछली की उत्पादकता बहुत कम थी, वेयरएज वहां पर 10,000 लीटर्स ऑफ पानी में हम जितनी मछली पैदा कर सकते थे, इस टेक्निक के माध्यम से हम 1,000 लीटर में उतनी मछली पैदा कर सकते हैं। और दूसरा रही बात स्वच्छता की, कुछ समय पहले एक न्यूज में था कि बॉम्बे से 10 किलोमीटर दूर समुद्र में जो मछली पकड़ी गई उसमें भी प्लास्टिक मिलता है। हमारा जो ये पानी है सिस्टम में, यह हर दिन कम से कम 2 बार पूरे टैंक का पानी चेंज होगा, जो कि हमारे एक फिल्टरेशन टेक्निक है, उसमें से ये अलग अलग उससे फिल्टर होते हुए, इसमें 3 तरह के हम फिल्टर यूज कर रहे हैं, ड्रम फिल्टर, बायो फिल्टर और यूवी फिल्टर। जब पानी इन तीनों सिस्टम्स में से निकलेगा, वंस अगेन इट इज अ प्योरली क्लीन वाटर। और जब दिन में 2 बार मछली को क्लीन वाटर जाएगा, मछली की सेहत अच्छी होगी, गुणवत्ता अच्छी होगी और मछली का उत्पादन भी बढ़ेगा। मछली पालन हाल ही के दिनों में किसानों की आय का नया साथी बनकर उभर रहा है। अगर तकनीक का इस्तेमाल इसमें सही सही तरीके से किया जाए तो कम मेहनत में ज्यादा कमाई संभव है।